गंगा घाटों पर समस्त संस्थाओं भागीदारी प्रमुखता से इस कार्यक्रम को प्राप्त होगी। गायत्री परिवार इस सामूहिक सूर्य आयदान को विश्व स्तरीय स्वरूप प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, जो निश्चित रूप से सफल होगा। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष श्री वगीश दत्त मिश्रा जी ने बताया कि जिस तरह देव दीपावली पर काशी के घाट दीपों की रोशनी से आलोकित होते हैं, उसी तरह काशी के समस्त घाटों पर युवा इकट्ठा होकर सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान का विश्व को भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं परम्परा का संदेश देंगे। महासमिति का यह प्रयास है कि काशी के समस्त घाट सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान की पूर्व संध्या दिनांक 7 मई 2022 को शाम 7:30 पर दीपों की रोशनी से आलोकित हो सके। गायत्री परिवार के इस विश्व स्तरीय कार्यक्रम को जन जन की भागीदारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पहल समाजोत्कर्ष समिति के अध्यक्ष श्री आलोक परिख जी ने कहा कि काशी के धरती पर 10,000 युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान का विश्व स्तरीय कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। गायत्री परिवार द्वारा विश्व स्तरीय कार्यक्रम युवाओं में भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं भारतीय परम्परा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पहल समाजोत्कर्ष समिति पूरे मनोभाव से कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है। 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा किए जा रहे सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को पूरा करेगा। पत्रकार वार्ता में वाराणसी जाने के प्रभारी श्री प्रसेन सिंह, उपजोन प्रभारी श्री सुरेश चंद्र यादव, नवनीत सिंह, घनश्याम राम, सी ए घरेन जय ओझा आदि उपस्थित रहे। आशीष कुमार सिंह, शांति कुंज, हरिद्वार से। आशीष जी, किस तरीके का आयोजन आप लोगों ने किया है? ये आयोजन सामूहिक सूर्यार्घ दान का कार्यक्रम है। गंगा सप्तमी के दिन, रविवार के दिन ये आयोजन 8 मई को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें काशी के तट पर 10 सहस्त्र युवाओं के द्वारा माँ गंगा में सूर्य भगवान को अर्घ देने का क्रम संपन्न होगा। और ये स्वप्न या ये संकल्प पंडित मदन मोहन मालवीय जी का था कि हम अब भारतीय संस्कृति को मानते हुए उनकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जिसमें नियमित रूप से संध्या करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें, और इसी बात का संकल्प उनके मन में था कि वाराणसी के तट पर युवा सूर्य भगवान को अर्घ दें। उस संकल्प की सिद्धि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। शहर की भी हमारे बहुत सारे गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाएं, देव दिवाली समिति और हमारे भी साथ में लगभग पहल संस्था और इस तरह से बड़ी बड़ी संस्थाएं इस कार्यक्रम में अपना सहयोग कर रही हैं। बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान इसमें अपने युवाओं के साथ हमारे साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम में अपना सहयोग भी कर रहे हैं, और हम सब मिल करके एक बड़ा पुरुषार्थ, 10,000 लोग शायद ही ऐसा विश्व के इतिहास में हुआ होगा कि सब एक साथ मिल करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका संदेश मुख्य रूप से तो यही है कि सूर्य जगतात्मा कहलाते हैं। सूर्य भगवान की उपासना हम सबकी संस्कृति का आधार है। हर व्यक्ति सूर्य की उपासना करे, सूर्य भगवान को अर्घ दे, ये भारतीय संस्कृति या हमारी सनातन संस्कृति का एक आधार है, महत्वपूर्ण स्तंभ कहते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक हम इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। हमारे एक सूत्र बोला जाता है, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा इस कड़ी से जुड़ें और इस क्रम को अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाएं, ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ में इस कार्यक्रम के लिए जो दिन हमने चुना वो गंगा सप्तमी का चुना। गंगा सप्तमी माँ गंगा के धरती पे अवतरण का दिन है। तो इसके साथ दूसरा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम माँ गंगा को, जो हमारी शास्त्र जो कहते हैं कि गंगा का जो जल है वो मरीची जल है, मतलब जो सविता को हम सूर्य की रश्मि के रूप में देखते हैं, वही जल के रूप में गंगा में बहता है। तो उस मरीची जल की रक्षा भी करना हमारा परम कर्तव्य है। तो उसका संकल्प युवा इसके साथ में लेंगे, पर्यावरण के संरक्षण का, माँ गंगा के घाटों को स्वच्छ रखने का और गंगा के अविरलता का, निर्मलता का संकल्प भी इसके साथ में लिया जाएगा। ये घाट वाराणसी से हमारे संवाददाता दीपक चौबे की रिपोर्ट।